चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की आज के सभी ताजा बड़ी महत्वपूर्ण सिलेक्टेड और काम की खबरों को। बता दें कि अभी भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े ऐलान बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। साथ ही यूपी के सभी 75 जिलों की आज के महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई अन्य खबरें देखने की जरूरत नहीं होगी, तो वीडियो को लाइक करके खबर को एकदम आखिर तक जरूर देख लें और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखें। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी बोले, बेटी पर बुरी नजर डाली तो हाथ अलग पैर अलग कर देंगे, चौराहे पर जुलूस भी निकालेंगे। जी हां, बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मंचलों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी ने भी बेटी पर गंदी नजर डाली तो वह अपने पैरों पर नहीं चल सकेगा। राह चलती बेटी पर हाथ डालने का प्रयास किया तो उसके हाथ अलग होंगे और पैर अलग होंगे। बेटियों पर बुरी नजर डालने वाले लोग वक्त से नहीं जाएंगे, उनका चौराहों पर जुलूस निकलवाएंगे। उन्होंने कहा कि हम सभी को सुरक्षा और सम्मान प्रदान करने को कटिबद्ध हैं, अपराधियों को किसी भी रूप में बक्सेंगे नहीं। योगी सरकार की बड़ी तैयारी, भर्ती परीक्षाओं में खत्म होगा निजी एजेंसियों का नाम। जी हां, बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार भर्ती परीक्षाओं को और भी फूल प्रूफ बनाने के लिए एजेंसियों की दखलअंदाजी को खत्म करने जा रही है। संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी भर्ती परीक्षाओं के लिए पेपर तैयार कराने से लेकर छपाई का काम कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पहले चरण में इसे लागू किया जाएगा, इसके बाद अन्य आयोगों और बोर्डों में भी लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि उच्च स्तर पर इसको लेकर सहमति बन गई है और जल्द ही इसको लेकर संशोधन संबंधी प्रस्ताव कैबिनेट से पास कराने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों की बल्ले बल्ले, 20 लाख तक की सब्सिडी देगी सरकार। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को सब्सिडी मिलने का रास्ता अब साफ हो गया है। दरअसल परिवहन विभाग ने इसका पोर्टल शुरू कर दिया है। सब्सिडी उन्हीं वाहन स्वामियों को मिलेगी जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे। इसका लाभ करीब 50,000 से अधिक वाहन स्वामियों को मिलेगा। इलेक्ट्रिक वाहन पर सब्सिडी लेने के लिए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन क्रय सब्सिडी पोर्टल upevsubsidy.in पर आवेदन करना होगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार खुद चलाएगी 71 नए महाविद्यालय, ट्रिपल पी मॉडल पर नहीं होगा संचालन। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन 71 राजकीय महाविद्यालयों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि ट्रिपल पी मॉडल पर नहीं, योगी सरकार स्वयं चलाएगी। मुख्यमंत्री घोषणा के तहत बन रही इन महाविद्यालयों को पहले ट्रिपल पी मॉडल पर संचालित करने का फैसला हुआ था। संबंधित राज्य विश्वविद्यालयों को निजी क्षेत्र के सहयोग से इन महाविद्यालयों के संचालन के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब सरकार ने निर्माणाधीन महाविद्यालयों के संचालन का जिम्मा स्वयं उठाने का फैसला लिया है। तौकीर रजा का बड़ा बयान, कहा आरएसएस और बजरंग दल आतंकी संगठन। लखनऊ में कहा इन सभी को बैन किया जाए, वक्फ बिल मुसलमानों पर थोपा जा रहा है। जी हां, बता दें कि आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद आतंकी संगठन है। हिंदू संगठनों से जुड़े लोग खुलेआम लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। देश में अगर अमन शांति और कानून का राज कायम रखना है तो ऐसे संगठनों पर तत्काल पाबंदी लगाना जरूरी है। यह बात बरेली की इत्तेहादे मित्तल काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने लखनऊ में कही है। तौकीर रजा ने कहा, सरकार को ईमानदारी से काम करना चाहिए, लीचिंग बंद होनी चाहिए। ये लड़ाई वक्फ को बचाने की नहीं, हमारे अस्तित्व का सवाल है। हमें अपनी मस्जिदों और दरगाहों की सुरक्षा करनी है। उत्तर प्रदेश में बिजली की स्मार्ट मीटर का सिम भी अब करा सकेंगे पोर्ट, उपभोक्ताओं को राहत। बता दें कि बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के लगने के बाद उपभोक्ताओं को नेटवर्क की समस्या आने पर मीटर में लगे सिम को पोर्ट कराने की सुविधा मिलेगी। उसी तरह जैसे नेटवर्क से परेशान मोबाइल उपयोगकर्ता दूसरी टेलीकॉम कंपनी का सिम ले लेते हैं। शहर में 6.5 लाख स्मार्ट मीटरों में जीनस कंपनी ने यह तकनीकी विकसित की है। इसका सबसे बड़ा फायदा दूर दराज के इलाकों और खराब नेटवर्क वाली घनी बस्तियों में मिलेगा। मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक 1.5 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को सुविधा नहीं है, जिससे बैलेंस अपडेट नहीं हो पा रहा है। खबर निकल के आ रही है कि दो कंपनियों के बीच होगा पोर्ट। जीनस कंपनी के नए स्मार्ट मीटरों के सिम ब्लॉक में एयरटेल और जियो कंपनी के सिम लगेंगे। एक में समस्या आने पर दूसरी कंपनी का सिम लग जाएगा।
उत्तर प्रदेश के तोड़े जाएंगे 68 असुरक्षित पुल। जानिए क्या इस सूची में आपके जिले के ब्रिज का नाम भी शामिल, देखिए पूरी लिस्ट। जी हाँ, बता दें कि 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके प्रदेश के 721 पुलों की जांच पूरी कर ली गई है। इनमें 68 पुलों को यातायात के लिए असुरक्षित पाया गया है। इनके स्थान पर नए पुल बनाने की तैयारी लोक निर्माण विभाग ने शुरू कर दी है। इनके निर्माण पर 245 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों बिहार में लगातार पुलों के गिरने की घटना के बाद उत्तर प्रदेश में 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी पुलों की जांच के निर्देश लोक निर्माण विभाग को दिए थे। अब इस जांच में 83 पुलों को यातायात के लिए असुरक्षित पाया गया है। प्रयागराज में जाली नोट छापने वाला मदरसा हुआ सील, 70 बच्चों को घर भेजा गया। हर साल तुर्की और सऊदी से 48 लाख चंदा मिल रहा। जी हाँ, बता दें कि प्रयागराज के जिस मदरसा में जाली करेंसी छापी जा रही थी, पुलिस ने आज उसे सील कर दिया। हॉस्टल में रहने वाले 70 बच्चों को उनके घर भेज दिया गया है। ये बच्चे 6 राज्यों के हैं। गेट पर पुलिस और मदरसा कमेटी का ताला लग गया है। पुलिस एक्शन के 30 मिनट बाद प्रयागराज प्राधिकरण की टीम मदरसा पहुंची। गेट पर बोर्ड लगा दिया गया है कि यह निर्माणाधीन अधिकृत है। 1 लाख से अधिक नौकरियां कर रही इंतजार, सीएम योगी ने यूपी के युवाओं को लेकर कही बड़ी बात। जी हां, उत्तर प्रदेश के युवाओं को लेकर सीएम योगी ने आज बड़ी बात कह दी है। सीएम योगी ने कहा, 1 लाख से अधिक पदों पर जल्द भर्ती फिर से शुरू होंगी। सीएम योगी ने युवाओं को भरोसा दिलाते हुए कहा, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा परिणाम के बाद दूसरे विभागों में भर्तियां निकाली जाएंगी। फूलपुर के इफको परिसर में आयोजित रोजगार मेला में रीड टैबलेट तथा स्मार्टफोन वितरित कर विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है, वह कार्य करने जा रहा है। उन्होंने बताया कि बेसिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी, व्यावसायिक व मेडिकल एजुकेशन में 60,000 से अधिक नियुक्तियां इंतजार कर रही हैं। अलग अलग विभागों में नियुक्तियों की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी। शिक्षक दिवस पर सम्मानित होंगे 54 शिक्षक, बेसिक के 41 और माध्यमिक के 13 टीचर शामिल। सीएम योगी आज गोरखपुर में करेंगे सम्मानित। जी हां, आज शिक्षक दिवस पर उत्तर प्रदेश में 54 शिक्षक सम्मानित किए जाएंगे। इनमें बेसिक शिक्षा परिषद के 41 शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जबकि माध्यमिक के 13 शिक्षक शामिल हैं। मिली जानकारी के अनुसार गोरखपुर में होने वाले सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। सम्मानित होने वालों में 19 प्रधानाध्यापक और 22 सहायक अध्यापक हैं। इनमें 19 महिला शिक्षक भी हैं। सरकारी अस्पतालों के वार्डों में अब नहीं मिलेगा बिना पास के प्रवेश, सीएमओ का निर्देश। जी हाँ, बता दें कि कोलकाता की घटना से सबक लेते हुए उत्तर प्रदेश में अस्पतालों की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है। शासन स्तर पर हुई बैठक के बाद सीएमओ को निर्देश गया है कि सभी सीएचसी और सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था के तहत सीसीटीवी कैमरों से निगरानी व पास की सुविधा को सुदृढ़ किया जाएगा। मंत्री बोले, भेड़िए पकड़े नहीं गए तो मार देंगे। बहराइच में अफसरों के साथ हाई लेवल की मीटिंग, अजय राय पहुंचे, बोले सरकार असंवेदनशील। बता दें कि बहराइच में वन मंत्री अरुण सक्सेना ने अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। उन्होंने कहा कि हर आदमी की जान बचाना जरूरी है, हम चाहते हैं कि आदमखोर भेड़िए पकड़े जाएं, अगर पकड़े नहीं जाते हैं तो मार देंगे। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी बहराइच पहुंचे। उन्होंने भेड़िए द्वारा हमले में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा, ये सरकार पूरे तरीके से असंवेदनशील है, सरकार को इस पर कड़े कदम उठाने चाहिए। बता दें कि 301 कर्मियों की टीम आदमखोर भेड़ियों की तलाश में जुटी हुई है। विभाग का दावा है कि केवल 2 भेड़िए हैं, हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि भेड़ियों की संख्या ज्यादा है। दिल्ली देहरादून से एक्सपर्ट भी पहुंच गए। बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर इलेक्शन लड़ जाएगी, अलग पार्टी तो बनानी ही पड़ेगी, अखिलेश यादव का सीएम योगी पर पलटवार। जी हां, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा मुखिया अखिलेश यादव के बीच जमकर जुबानी जंग देखने को मिली है। बुलडोजर एक्शन को लेकर शुरू हुई बहस ब्लड प्रेशर, मुख्यमंत्री आवास के नक्शे और टीपू सुल्तान तक आ गई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर सियासी तीर छोड़े। जब अखिलेश ने कहा कि 2027 में सपा की सरकार बनने के बाद बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ हो जाएगा, तो सीएम योगी ने इसका जवाब देते हुए कहा, बुलडोजर पर हर व्यक्ति का हाथ सेट नहीं हो सकता।
था, जिसके बाद सपा मुखिया ने सीएम योगी को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर ही रख लेने की सलाह दे डाली। अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए एक्स पर लिखा, अगर आप और आपका बुलडोजर इतना ही सफल है तो अलग पार्टी बनाकर बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ जाएंगे। फिल्मी कलाकारों से सजेगी अयोध्या की रामलीला, पार्वती का रोल निभाएंगी अंजलि, पायल बनेगी सुपर्णखा, कैकई बनेंगी मेडोना। जी हाँ, बता दें कि अयोध्या की रामलीला का मंच इस बार फिल्मी कलाकारों से सजी होगी। रामलीला में पार्वती का रोल अयोध्या की अंजलि शुक्ला करेंगी, पायल गोगा कपूर सुपर्णखा, कैकई का रोल मैडोना करेंगी। रामलीला के फाउंडर अध्यक्ष सुभाष मालिक के अनुसार अयोध्या की रामलीला इस बार 1 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक होगी, इसका दूरदर्शन पर लाइव प्रसारण होगा। गलत बिजली बिल की समस्या से मिलेगा छुटकारा, विभाग ने शुरू की OCR टेक्नोलॉजी से मीटर रीडिंग। जी हाँ, बता दें कि बिजली के बिल गलत आने से उपभोक्ता परेशान होकर कार्यालय के चक्कर काटते रहते हैं। बिल गड़बड़ी के अभी तक अलग अलग कारण सामने आए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रीडिंग सही नहीं होने की शिकायतें की गई हैं, जिसके बाद केस्को ने बिलिंग व्यवस्था सुधारने के लिए OCR टेक्नोलॉजी के माध्यम से मीटर रीडिंग शुरू कर दी है। OCR से मीटर रीडिंग डिमांड की फोटो कैप्चर कर बिजली बिल बनेगा, जिसमें मानवीय त्रुटि की कोई संभावना नहीं होगी। अगस्त माह में केस्को ने ट्रायल के रूप में 3,93,901 उपभोक्ताओं के OCR तकनीक से बिल बनाए। भाजपा से बड़ी जिम्मेदारी मिलते ही चाचा शिवपाल से आशीर्वाद लेने पहुंची अपर्णा यादव, किसे और क्या संदेश दिया जानिए। बता दें कि मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी देते हुए यूपी महिला आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया है। जिम्मेदारी मिलते ही अपर्णा यादव आज चाचा शिवपाल यादव से आशीर्वाद लेने पहुंची। अपर्णा यादव के इस कदम को कई नजरिए से देखा जा रहा है। इस मुलाकात और आशीर्वाद के निहितार्थ निकाले जाने के साथ ही इसका संदेश समझने की कोशिश हो रही है। माना जा रहा है कि अपर्णा ने चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात और आशीर्वाद लेकर कोई बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। हालांकि ये साफ नहीं है कि उनका यह संदेश क्या है और किसके लिए है। मुख्तार अंसारी के गुर्गे अमित ठठेरा की 1 करोड़ की संपत्ति हुई कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के तहत हुआ एक्शन। जी हाँ, मुख्तार अंसारी के सहयोगी और D-134 गैंग लीडर अमित ठठेरा की 1,08,00,000 रुपए की संपत्ति आज कुर्क कर ली गई। जिला मजिस्ट्रेट के आधार पर भीटी हरिद्वार कॉलोनी स्थित उसकी अचल संपत्ति को प्रशासन ने कब्जे में ले लिया। पुलिस के अनुसार गैंगस्टर के तहत ये कार्रवाई की गई है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अमित ठठेरा मुख्तार अंसारी का सहयोगी रहा है। उत्तर प्रदेश के इस जिले के 196 गांवों में बनेगी उचित दर की मॉडल शॉप, 19,60,00,000 आएगी कीमत। जी हाँ, बता दें कि उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के 196 गांवों में 19,60,00,000 की लागत से उचित दर की मॉडल शॉप बनेगी। चालू वित्तीय वर्ष में इन मॉडल शॉप का निर्माण मनरेगा मद से कराया जाएगा। मनरेगा से काम कराए जाने के चलते जॉब कार्ड धारक श्रमिकों को गांव में ही रोजगार मिलेगा। सार्वजनिक स्थानों पर गांवों में उचित दर की दुकान बन जाने से कार्ड धारकों को भी आसानी रहेगी। प्रयागराज में पेयजल और सीवर की समस्या होगी दूर, जलकल विभाग की ओर से बड़ी परियोजना शुरू। जब बता दें कि प्रयागराज शहर में पेयजल और सीवर की समस्या आने वाले कुछ महीनों में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। दरअसल जलकल विभाग की ओर से शहर में 800 किलोमीटर पेयजल की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसके लिए कार्य योजना बना ली गई है। इसके अलावा जलकल विभाग की ओर से 36 नए नलकूप लगाए जाएंगे। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के साथ अखिलेश लिखा पत्र, सरकार से पूछा अपनी सरकार की इतनी बड़ी धांधली के लिए किसका घर गिरवाएंगे। बता दें कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद से प्रदर्शन कर रहे उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों से अखिलेश यादव ने अपील की है कि वह बरसते पानी में अपना स्वास्थ्य खराब ना करें। इनकी आंखों का पानी मर चुका है, आपके संघर्ष में हम आपके साथ हैं। अखिलेश ने अपील की है कि अभ्यर्थियों को नए तरीके से संघर्ष करने की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने तरीका भी बताया। मंत्री बोले, 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। जौनपुर में मीडिया कर्मी पर भड़के, कहा बहुत ज्यादा सवाल करते हो, बहुत विकास चाहिए।
बता दें कि जौनपुर में विकास को लेकर सवाल पूछने पर योगी के मंत्री गिरीश यादव भड़क गए हैं। उन्होंने मीडिया कर्मी से कहा, 2 मिनट में ठीक कर दूंगा, बहुत ज्यादा सवाल करते हो, बहुत विकास चाहिए, इतना कोई नहीं करा सकता। जवाब में मीडिया कर्मी ने कहा कि पता है कि विकास कितना कराया है, बहुत देखे आप जैसे मंत्री, मैं भी आपको ठीक कर दूंगा। इसके बाद काफी देर तक मंत्री और मीडिया कर्मी में हॉट टॉक हुए। भाजपा नेताओं ने किसी तरह से दोनों को शांत कराया। बदायूं में लगे देश विरोधी नारे, वीडियो वायरल होते ही 3 लोगों को लिया गया हिरासत में। जी हां, बड़ी खबर बदायूं से आ रही है। दरअसल बदायूं के फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के गांव पिपरिया में देश विरोधी नारे लगाने वाले 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है। वीडियो 3 महीने पुराना बताया जा रहा है। वीडियो में कुछ बच्चे हाथों में नकली असलहे व डंडे लहराते हुए देश विरोधी नारे लगा रहे हैं। फिल्मी स्टाइल में एक युवक पीछे खड़ा बच्चों को नेतृत्व करता दिख रहा है। गोरखपुर से सिकरीगंज तक दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें, बढ़ेगी यात्रियों की सुविधा। दरअसल बता दें कि इलेक्ट्रिक बसें अब सिकरीगंज तक चलेंगी। लोगों की सुविधा के लिए खजनी और उनवल तक चल रही बसों का सिकरीगंज तक मार्ग विस्तार किया जाएगा। इलेक्ट्रिक बस संचालन समिति ने सर्वे आरंभ कर दिया है। 1 से 2 दिनों में सर्वे कार्य पूरा कर लिया जाएगा। सर्वे पूरा होने के बाद बस संचालन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दरअसल बता दें कि सिकरीगंज तक इलेक्ट्रिक बस चलाने की मांग बढ़ने लगी है। उत्तर प्रदेश को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की मिली सौगात, टाइम टेबल भी जारी, इन 2 शहरों के बीच सफर होगा आसान। जी हां, उत्तर प्रदेश को एक और सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस मिलने जा रही है। यूपी की सबसे ज्यादा पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले 2 शहरों के बीच इसे चलाया जाएगा। बीच में 4 स्टेशनों पर इसका ठहराव होगा। रेलवे ने आज इसका टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। ट्रेन के संचालन की तारीख का ऐलान भी जल्द होगा। रेलवे बोर्ड के अनुसार नई वंदे भारत एक्सप्रेस आगरा और वाराणसी के बीच चलेगी। जानिए क्या कुंभ में शाही की जगह राजसीय स्नान होगा। अखाड़ा परिषद ने छेड़ी बहस, कहा प्रयागराज मेले से होगी शाही शब्द हटाने की शुरुआत। दरअसल बता दें कि महाकाल की भादों में निकलने वाली शाही सवारी के शाही शब्द पर आपत्ति के बाद कुंभ के शाही स्नान से ये हटाने का बहस छिड़ गया है। संत महंत इस शब्द के विरोध में उतर आए हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने कहा, कुंभ के स्नान से शाही शब्द हटाने की शुरुआत प्रयागराज से कर सकते हैं। बता दें कि प्रयागराज में पूर्ण कुंभ मेला 13 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा। उज्जैन में कुंभ मेला 2028 में होना है। अब देश की जनता से डरने लगे मोदी, सीना फैलाकर पहले की तरह नहीं चलते, राहुल गांधी का बड़ा बयान। यहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर की धरती से चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से तीखा वार किया है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि हमने नरेंद्र मोदी को मानसिक रूप से उड़ा दिया है, उनका आत्मविश्वास ही गायब हो गया है। उन्होंने पहले कहा कि जाति जनगणना नहीं होगी, अब आरएसएस के लोग कह रहे हैं कि यह सही बात है। पहले उन्होंने कहा कि लैटरल एंट्री से बाहर के लोगों को सरकार में लाएंगे। थोड़ा सा दबाव डाला तो भाजपा बोली ऐसा नहीं होगा। आप यह समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी अब देश की जनता से डरते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि थोड़ा ही समय बचा है और हम नरेंद्र मोदी एवं भाजपा को सत्ता से हटा देंगे। गोंडा, बहराइच और बलरामपुर से लखनऊ आने जाने वाले जान ले, 7 सितंबर तक रूट डायवर्जन इधर से जाएं। जी हां, यूपी के गोंडा, बहराइच और बलरामपुर से लखनऊ आने जाने वाले जान लीजिए। कजरी तीज पर गोंडा जिले में श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर आज से 7 सितंबर तक यातायात व्यवस्था एवं श्रद्धालुओं की सुगम यात्रा के लिए हल्के एवं भारी वाहनों का रूट डायवर्ट किया गया है। एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि रूट डायवर्जन आज दोपहर से लागू होगा। इस अवधि में जनपद की सीमा में भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यूपी से मुंबई, अमृतसर समेत इन शहरों की 50 ट्रेनें कैंसिल, 80 के बदले रूट। जी हां, भारतीय रेलवे ने पलवल स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्यों के चलते 150 से अधिक ट्रेनों के निरस्तीकरण, मार्ग परिवर्तन, आंशिक निरस्तीकरण, रेगुलेशन की घोषणा की है। रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि असुविधा से बचने के लिए वह अधिकृत रेलवे पूछताछ सेवा NTS 139 से गाड़ी की सही स्थिति की जानकारी पता कर लें। PRO प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि पलवल पर रेल संपर्क जोड़ने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग के काम के चलते यह फैसला लिया गया है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कौन बचाएगा, पुलिस को लेकर भाजपा नेता की पोस्ट वायरल, सीएम योगी को भी किया टैग।
जी हाँ, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कौन बचाए। वाहरे बस्ती की छावनी पुलिस गजब तेरे कारनामे है। भाजपा नेता आशीष कुमार शुक्ल सैनिक ने सोशल मीडिया पर बस्ती जिले के छावनी थाने की एक घटना का जिक्र करते हुए ये बातें लिखी है। उन्होंने मुख्यमंत्री, डीजीपी, यूपी पुलिस, बस्ती पुलिस व पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी सहित 16 प्रमुख लोगों को टैग भी किया है। उनकी यह पोस्ट वायरल हो रही है। वायरल पोस्ट जिले के पुलिस अफसरों तक भी पहुंचा है। सीओ हरैया अशोक कुमार मिश्र ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी। लखनऊ में 6 साल की बच्ची नाले में बही। बागपत में कार बाइकें बह गई, सड़कों पर कमर तक पानी। आज 22 जिलों में बारिश का अलर्ट। जी हां, यूपी में बीते दिन लखनऊ, कानपुर, आगरा समेत 36 जिलों में बारिश हुई। लखनऊ में बारिश के बीच एक 6 साल की बच्ची उफनाए नाले में बह गई, उसकी तलाश चल रही है। वहीं आज भी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि आज प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर के आसपास के इलाकों में भारी वर्षा होने की संभावना है। तो उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।